हरिद्वार संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा ने चुनावी चौसर पर अपनी चाल चल दी है। अब कांग्रेस के ऐलान का इंतजार है। हरिद्वार सीट से कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत या उनके बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो हरिद्वार दो रावतों की जंग का अखाड़ा बनेगा। बहरहाल हरिद्वार से उम्मीदवारी मिलना त्रिवेंद्र के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से त्रिवेंद्र को एक राजनीतिक अवसर का इंतजार था। कुछ अफसरों पर संगठन में उन्हें अहम जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं गर्माती रहीं, लेकिन हर बार त्रिवेंद्र समर्थकों को मायूस होना पड़ा। 2022 में अपनी पारंपरिक डोईवाला सीट से भी वह चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि इस सीट पर पार्टी ने उन्हीं के पसंद के चेहरे बीबी गरोला को मैदान में उतारा था। त्रिवेंद्र के समर्थन से गरोला चुनाव जीते। हालांकि त्रिवेंद्र अपनी राजनीतिक सक्रिय बनाए रहे। उन्होंने धैर्यपूर्वक अवसर का इंतजार किया, पूरे राज्य का दो बार दौरा किया। हरिद्वार चुनाव क्षेत्र में भी उनकी राजनीतिक सक्रियता रही। हरिद्वार लोकसभा सीट में शामिल डोईवाला में त्रिवेंद्र का तगड़ा प्रभाव और समर्थकों की एक बड़ी फौज है। भाजपा शासित धर्मपुर और ऋषिकेश सीट में भी त्रिवेंद्र का बड़ा प्रभाव माना जाता है। मुख्यमंत्री की भूमिका में त्रिवेंद्र की हरिद्वार जिले में भी काफी सक्रियता रही। वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी धैर्य और संयम से काम करता है उन्हें भाजपा अवसर जरूर देती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो समय समय पर दायित्व परिवर्तन भी करता है और दायित्व देने का भी काम करता है। पार्टी में धैर्य और संयम से रहने वाले लोगों को अवसर जरूर प्राप्त होता है। आज उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है तो निश्चित रूप से उन्होंने जो राज्य के हित में काम किए हैं, जो उनका जो अनुभव रहा है, उसका फायदा उनको मिलेगा। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।